हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको भारतीय राजनीति के कुछ ऐसे राजनेताओं के बारे में बताना चाहता हूं जिनके पास अकूत धन संपत्ति है। इस लिस्ट में पहला नाम आता है महेंद्र प्रसाद जी का, जिनकी नेटवर्थ 13,300 करोड़ रुपए है। यह राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, बिहार के एक फार्मा टाइकून है, जिन्होंने 1980 में जहानाबाद निर्वाचन क्षेत्र से अपने लोकसभा की पारी शुरू की थी। वह 1985 से राज्यसभा के संसद सदस्य हैं। महेंद्र प्रसाद भारतीय जेनेरिक निर्माता कंपनी एरिस्टो फार्मास्यूटिकल के संस्थापक हैं। अब सेकंड नंबर पे आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी नेटवर्थ है 3,790 करोड़, लोकसभा सदस्य हैं। ज्योतिराव सिंधिया 2009 से 2012 यूपीए 2 की गवर्नमेंट में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार भी इन्होंने संभाला है। 19 जून 2020 को श्री सिंधिया मध्य प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं अल्ला अयोध्या रामी रेड्डी, नेटवर्थ है 3,577 करोड़ रुपए, राज्यसभा सदस्य हैं, उद्योगपति हैं। अयोध्या रामी रेड्डी देश के तीसरे सबसे अमीर राज्यसभा सांसद हैं। रामकी ग्रुप ऑफ कंपनी के संस्थापक हैं। श्री रेड्डी को 2020 में नरसराव पेट निर्वाचन क्षेत्र से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। फोर्थ नंबर पे आती हैं जया बच्चन, जिनकी नेटवर्थ है 1,001 करोड़ रुपए, राज्यसभा सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी से 4 बार राज्यसभा सांसद का उपहार पा चुकी हैं। कोरा कागज, जंजीर, अभिमान, चुपके चुपके, शोले, कभी कभी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने यादगार अभिनय के लिए जानी जाती हैं। कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, इनकी कुल संपत्ति है 1,100 करोड़ रुपए। पांचवें नंबर पे आते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जिनकी नेटवर्थ है 8,600 करोड़ रुपए, राज्यसभा के सदस्य हैं। भारतीय रुपए में लगभग 8,600 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर राजनेताओं में से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय धारक अभिषेक मनु सिंघवी हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पश्चिम बंगाल के निर्वाचन क्षेत्र से भारत की संसद के वर्तमान सदस्य हैं, जो भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के सदस्य हैं।